हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉक निकल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि 11kV की जो कंट्रोल पैनल है, ये कंट्रोल पैनल में जब ट्रिपिंग आता है तो हमें क्या करना चाहिए। ये क्वेश्चन मुझे मेरे एक व्यूअर ने बताया था, तो अभी मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। तो ये वीडियो शॉर्ट होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। करते इस वीडियो को स्टार्ट। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ट्रिपिंग किस वजह से आती है। तो जब कहीं पर लाइन पर जो हमारी तीन फेज जा रहा है RYB, उस फेज पर अगर कोई चीज़ आके गिरती है, यानी कि पेड़ की डाली या फिर कुछ भी आके गिरता है, तो अगर उसको अर्थ मिल जाएगा तो वो लाइन जो हमारी वो डायरेक्ट अर्थ से कनेक्टेड हो जाएगी, मतलब कि डायरेक्ट शॉर्ट हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो रिले है उसको मैक्सिमम एम्पियर पे सेट किया जाता है। अगर उस एम्पियर से ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो वो हमारे ब्रेकर को ट्रिप कर देता है और हमारा ब्रेकर जो है वो ट्रिप हो जाएगा और यहाँ पर अलार्म बजने लगेगा। मेक श्योर कि आपने सेफ्टी शूज़ पहने हुए हैं, ये आपको प्रोटेक्शन देगा। अब हम देखेंगे कि ट्रिपिंग के वक्त क्या होता है। ऐसे ब्रेकर ऑफ होता है, फिर ये जो अलार्म बज रहा है उस अलार्म को हमें रीसेट करना पड़ेगा यहाँ से। फिर यहाँ पर जो रिले है वहाँ पर दो नंबर शो कर रहा है, 2 यानी कि ओवर करंट, 4 यानी कि हाई सेट ओवर करंट, 6 यानी कि अर्थ फोल्ड, 8 यानी कि हाई सेट अर्थ फोल्ड। अब हम देखेंगे कि कहाँ पर आ रहा है फोल्ड। आर फेज में फोल्ड आ रहा है, 1 यानी कि आर, 2 यानी कि वाई, 3 यानी कि बी, आर एंड वाई में फोल्ड आ रहा है। फिर ये बटन को प्रेस करके रखना है, डिस्प्ले ऑफ हो जाएगी। फिर यहाँ पर इंडिकेशन देख लेना है ब्रेकर ऑफ का, और स्प्रिंग चार्ज है कि नहीं वो देख लेना है, क्योंकि स्प्रिंग चार्ज नहीं होगी तो हमारा ब्रेकर ऑन नहीं होगा। यहाँ से रीसेट कर लेना है और यहाँ से ट्रिप हेल्दी कर लेना है ताकि हमारा ब्रेकर जो है वो रिमोट से ऑन हो। और ये मीटर्स चेक कर लेने हैं, मीटर्स में सब कुछ ज़ीरो है कि नहीं, और ये तीन लाइन चेक कर लेनी है, लाइट है कि नहीं, यहाँ पर भी ज़ीरो है। अब हमें इसे 3 से 4 मिनट तक ऑफ रखना है एंड उसके बाद हम ब्रेकर को ऑन करेंगे रिमोट से। मेक श्योर कि जब ब्रेकर हम ऑन कर रहे हैं उस टाइम पे ब्रेकर के आसपास कोई खड़ा ना हो। फीडर ऑन हो जाए उसके बाद चेक कर लेना है यहाँ पर इंडिकेशन ऑन है कि नहीं, ब्रेकर ऑन, रेड लाइट ऑन है, स्प्रिंग चार्ज ऑन है, ये तीनों लाइन में दिखा रहा है, देखो मेगावाट का मीटर ऑन है, एम्पियर ऑन है, ये है मीटर। यहाँ पर हमको एम्पियर देख लेने कितने एम्पियर आ रहे हैं अभी, यहाँ पर वोल्टेज दिखाई दे रहे हैं, फिर ये है एम्पियर, अभी लो लोडिंग है, ये है एम्पियर, आर वाई एंड बी फेस, ये फ्रीक्वेंसी किलोवाट। अगर कोई कंडीशन पे जो हमने जो फीडर ऑन किया वो फिर से ट्रिप हो जाता है तुरंत, तो हमें क्या करना चाहिए कि 10 मिनट तक वेट करना चाहिए। तो 10 मिनट के बाद हम फिर से फीडर को ऑन करते हैं, अगर फिर भी वो ट्रिप हो जाता है तो हम उसको PF पे रख देते हैं, PF यानी कि परमानेंट फोल्ड। परमानेंट फोल्ड में हम क्या क्या स्टेप लेते हैं अगर आपको ये जानना है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैंने 11kV के कंट्रोल पैनल के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है वो जाके पहले देखिए। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।